कि अबधा अलगारिया से अब तो न रहली दुर्बल मुनि बाबा ले आइलन बुलाए गुरबल जोड़ी कैलन सुबाहु के अयो हमरा मारे के नहीं मन थल लेकिन गुरुदेव कलखिन के मारे ला तो मार देली मुनि बाबा दी होला न मारा भाई दुर्बल जोड़ी कैलन ए मुनि बाबा दी होला न मारा भाई दुर्बल जोड़ी कैलन ए मुनि बाबा दी होला न मारा भाई दुर्बल जोड़ी मारा भाई दुर्बल जोड़ी कैलन राम जी के लगा विश्वामित्र जी आगे बढ़ी जदेन कैसे थोड़ा देर आगे बढ़ने के बाद राम जी के नजर पड़ी एक पत्थर की शिला नारी पर पत्थर के नारी पर नजर जैसे ही पड़ी राम जी पूछे जतिन हे गुरुदेव ये पत्थर की शिला जेकि नारी लेखा एकदम सुंदर आकार बना ले कौन छथिन गुरु जी कहते थीन कैसे राम जी गुरु जी से पूछे छथिन कौन ना है ये कैसी परी शिला अरे पूछने लगे रघुराई अरे मुनि प्रसन्न हो उसी समय करुणा कथा सुनाई है ए मुनि प्रसन्न हो करुणा कथा सुनाई है ए बड़ी पसंद हो करुणा कथा सुनाई गुरु जी कहते थे हे राम ये पत्थर की नारी अहिल्या है अपने पति श्राप के बस में पति देव इनका श्राप दे दिलखिन की बस में इन पत्थर बन गेलखिन आओ गुरुदेव कहे छथिन कि चरण
कमल के रज उसको रघुनंदन यह उपकार करो। अरे जीवन धूरी संजीवन है अब इसका बेड़ा पार करो। जीवन धूरी संजीवन है अब इसका बेड़ा पार करो। जीवन धूरी संजीवन है अब इसका बेड़ा पार करो। जीवन धूरी संजीवन है अब इसका बेड़ा पार करो। जैसे ही राम जी अपन चरण स्पर्श करी छथिन पत्थर के नारी शिला जे भे नारी बन जाय छिन कल जोर का खड़ा हो जाय छिन और मने मने कहै छथिन अहिल्या बरी भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बरी भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बरी भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बस भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। कल जोर का अहिल्या राम जी से विनती करे छथिन भगवान पधारे हैं मेरे श्री राम पधारे हैं। अहिल्या बरी भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बरी भाग सिहारे हैं मेरे घर राम पधारे हैं। गौतम नारी अहिल्या के उद्धार करी तो राम जी और गुरु जी के साथ फिर आगे बढ़े छीन और हिन काटा दिया और गुरु जी के कहियो आगे बढ़ेला कहू चलत रहें जाय जाय दीपक जनकपुर में पहुंच जाए जथिन। दीपक भाई जनकपुर में पहुंचला के बाद स्वयं जनक जी आका गुरुदेव के सुंदर आसन देखिन बैठेला कि किन प्रणाम चरण धरी माथा दिन आशीष मुदित मुनि नाथा विप्रबन सब सादर वंदे जान भागवर राव आनंदी। जखनिए गुरुदेव से जनक जी महाराज बात करे छथिन तुलसीदास जी कहलखिन कि श्यामल गौर मृद वचन किशोरा आलोचन सुखद विश्व चित चोरा। राम जी के और लखन जी के देख कर जनक जी अयो गुरुदेव से कहे छथिन हे गुरुदेव दोनों बालक कौन है कैसे। गुरु जी बतबै छथिन कि दोनों बालक कहाँ से है। राजा दशरथ के पुत्र छथिन हमरा जोर छलके नहीं लेके इनका लेके आ गेली है उचित स्थान दै छथिन सवेरे सवेरे के समय होइया सब गोटा ताली बजबित कहबै राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। सब गोटा ताली बजबित कहबै लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनकपुर आई देखे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आहाँ के की दिक्कत है आहाँ बैठू ना बैठ के आहाँ देखू ना हे नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकुच डर प्रगट न कही राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय
जी दी कहे जे दिन कि जाय देख आबहु नकर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नैना सुंदर दादा।